रिपोर्ट 360 नॉनस्टॉप शोबिज इंफरटेनमेंट। दिन ब दिन पाकिस्तानी एक्ट्रेस की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की स्पीड बढ़ती जा रही है और हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई पाकिस्तानी एक्टर इंडियन फिल्म साइन करते हुए नजर आता है। लेकिन एज कम्पेयर टू द पास्ट अब सीन काफी डिफरेंट है। कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स इंडियन मूवीज में लीड में काम करना शुरू हो गए हैं, जबकि पहले वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में ही नजर आते थे। रिसेंटली पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम ने की है एक इंडियन मूवी की ऑफर एक्सेप्ट। वो नाम है कौन, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुपर मॉडल ईमान अली, जो कि फेमस फिल्म टीवी आर्टिस्ट आबिद अली की बेटी हैं, उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट मॉडलिंग से किया था और अब तक बहुत सी प्रिंट कैंपेन्स और टीवी कमर्शियल्स कर चुकी हैं। उन्हें अपने करियर का ब्रेक थ्रू शोएब मंसूर की म्यूजिक वीडियो अनारकली से मिला था। और फिर मॉडलिंग के बाद उन्होंने शोएब मंसूर की मूवी खुदा के लिए से अपने फिल्म करियर का स्टार्ट किया। लंद कुछ अभी शर्मी, सर पे दुपट्टा भी नहीं है, गांव वाले हमको क्या कहेंगे। शहर देखा है कभी? शहर हमने तो दूसरा गांव भी नहीं देखा। अगर खुदा वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए तो आपकी नमाजों से खुश नहीं होगा अगर आप उसके बंदों को तकलीफ देंगे। और उनकी ये मूवी रही सुपर हिट और उन्हें एज एन एक्टर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शी ऑल्सो वन एन अवार्ड फॉर दिस मूवी। उसके बाद ईमान अली ने शोएब मंसूर की दूसरी मूवी बोल में काम किया। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसीलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं। मैं वाकई मार दूंगी तुझे, हजार में छोड़ेंगे। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इधर ना कोई किसी के बाप का नाम पूछता है ना ही किसी को पता होता है। हमने कंजरों के घर जाना शुरू किए हैं, कंजर हो नहीं गए हैं। क्या भूलेंगे जाएंगे खुदा के पास। बहुत मजहबी घराने की बापरदा लड़की, बहुत पैसा होता है लोगों के पास, इनका मुंह नोटों से बंद करना पड़ेगा। वो मैंने सोच लिया, वो इस मुल्क के प्रेसिडेंट। और आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की नींद की फिक्र है? हम तो समझते हैं तवायफ हो तो लखनऊ, इंसान पैदा किए हैं हमने, दवाइयों की बोतलें नहीं। हमने दुआओं को पता नहीं क्या समझ लिया है। ईमान अली ने ये प्रूफ कर दिया कि ना सिर्फ वो एक अच्छी मॉडल हैं, बल्कि एक अच्छी एक्टर भी हैं। ईमान अली का कहना ये है, पाकिस्तानी फिल्म्स आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली आफ्टर खुदा के लिए बोल एन एकेडमी अवार्ड विनर डॉक्यूमेंट्री फिल्म सेविंग फेस। अब लॉलीवुड के बाद ईमान अली का नेक्स्ट स्टेप है बॉलीवुड। अब जल्द ही आपको वो मणि रत्नम की अपकमिंग मूवी में एज अ लीड एक्टर नजर आएंगी। एंड वी विश कि पाकिस्तान में दो सुपर हिट मूवीज देने के बाद ईमान अली बॉलीवुड में भी अपने टैलेंट को मनवाने में रहे सक्सेसफुल और अपने फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरें। बहुत सारे प्राइवेट टीवी चैनल्स की वजह से आजकल टीवी स्क्रीन पर मॉर्निंग शो की एक भरमार नजर आती है। हर चैनल की कोशिश ये होती है कि अपने मॉर्निंग शो पे एज अ होस्ट किसी वेल नोन फीमेल फेस को लेकर आए ताकि शो की व्यूअरशिप बढ़ाई जा सके। लेकिन अब मॉर्निंग शोज में जो कि एक नया ट्रेंड नजर आ रहा है वो ये है कि अब इन शोज को फीमेल्स के अलावा मेल्स भी होस्ट करना शुरू कर देंगे। जल्द ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े फेमस नाम को आप देखेंगे एज अ मॉर्निंग शो होस्ट। टू नो द डिटेल्स लेट्स वॉच दिस रिपोर्ट। शान शाहिद, जो कि पास के मशहूर फिल्म मेकर रियाज शाहिद और एक्ट्रेस नीलो के बेटे हैं, उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट रीमा खान के साथ जावेद फाजल की मूवी बुलंदी से किया था एंड इट टर्न आउट टू बी अ सुपर हिट। और फिर उसके बाद शान ने एक के बाद एक बहुत सी हिट मूवीज दी और फिर वो लॉलीवुड छोड़कर न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए एंड स्टार्टेड फिल्म मेकिंग ओवर देयर एंड हिज कम बैक टू लॉलीवुड वाज अगेन विद अ सुपर हिट मूवी संगम। शान अब तक बहुत सारी हिट मूवीज में कर चुके हैं काम और जीत चुके हैं बहुत सारे अवार्ड और अब उनकी लेटेस्ट मूवी वार बहुत ही जल्द होने जा रही है रिलीज। पाकिस्तानी वो कौम है जिसके मरने का किसी को कोई अफसोस नहीं होता, अब खुद उनको भी नहीं। We'll be right back.
इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। लेकिन अब मूवीज के बाद वो नजर आएंगे एक नए रूप में, और वो नया रूप है एक मॉर्निंग शो के होस्ट का, जो के वो करने जा रहे हैं एक प्राइवेट टीवी चैनल के लिए। शान का ये शो पिछले एक साल से डिले हो रहा है, पर अभी भी उन्हें इंतजार है किसी बड़े इवेंट का टू लॉन्च हिज मॉर्निंग शो। जबकि बाबर अली भी आजकल एक प्राइवेट टीवी चैनल का शो होस्ट कर रहे हैं, जिसका रिस्पांस ऐसा कुछ खास नहीं है। देखते हैं अब शान का शो जल्द होता है स्टार्ट या फिर एक बार फिर हो जाएगा डिले, और क्या एज अ मॉर्निंग शो होस्ट भी उन्हें मिलेगा पॉजिटिव रिस्पांस या फिर नहीं। वेल, वी विश हिम गुड लक फॉर हिज न्यू वेंचर। वेल, शो में है अभी काफी कुछ, बट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, यू डोंट गो एनीवे बिकॉज़ यू आर वाचिंग रिपोर्ट 360। रिपोर्ट 360, नॉनस्टॉप शोबिज़ इंफरटेनमेंट।